किसी भी पिंड की नुहार बदल सकती है। वह शहरों तो वध खूबसूरत अते सुविधावां नाल भरपूर हो सकता है जे कि पिंड की पंचायत समझदारी नाल सारे पिंड दे लोकां दे हितां नूं ध्यान विच रख के सारे विकास कार्य करन वाली होवे। सरकारी ग्रांट या फिर NRIs का भी सहयोग होवे तां समझ लो कि पिंड नूं स्वर्ग भी बनाया जा सकता है। जिला जलंधर के कस्बा फिलौर तो नूर महल जाण वाले रोड से वसिया है इतिहासक पिंड प्रतापपुरा। वैसे आम बोलचाल विच इस नूं प्रतापपुरा भी कहा जाता है। श्रोमणी संत बाबा सैन भगत जी जिन्हां दी बाणी पावन गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है, इस पिंड दे बारो बार बाबा सैन भगत जी का तपोस्थान है। पिंड की कोई गली नहीं जो पक्की या इंटरलॉक टाइलों वाली न होवे। सोसाइटी है जिसने पिंड दे लोकां नूं किराए ते वाही लई ट्रैक्टर देण दी व्यवस्था की है। पिंड विच कई पार्क हैं, शमशान घाट सारियां सुविधावां नाल लैस हैं। हर गली दे मोड़ ते दोहां पासे दा दृश्य दिखाउण वाले शीशे हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। की दसीए, सारा कुछ ही हैरान कर देने वाला है। कई समस्यावां नाल भरे पिंडां दी कवरेज तो बाद पंचायतनामा टीम लई इस पिंड दा दौरा किसी नखलिस्तान दी यात्रा तो घट नहीं किया जाण वाला। आओ चलते हैं प्रतापपुरे ते देखते हैं कि उस पिंड की व्यवस्था किहो जी चल रही है। अज खड़े हैं अभी पिंड प्रतापपुरा जो कि नूरमहल रोड से स्थित है और जलंधर जिले में पैंदा है। ये पिंड बहुत ही ज़्यादा विकासशील पिंड मनिया जाता है और इतने बहुत ज़्यादा तरक्की है। पिंड की पंचायत की तो NRI भरावान की यह जेदवा कि इस पिंड को असी अमेरिका के पिंडा वर्गा दिखाना चाहते हैं। दिखाना की चाहते हैं, पिंड कम ही इन्ने हुए हैं कि अमेरिका के पिंडा वर्गा पिंड है। किसी भी सहूलत तो पिंड बांझा नहीं है, हर सहूलत इस पिंड है। तुम एक एक सहूलत नाल जाणू कराने पड़े असी पिंड प्रतापपुरा के जिम विच। ये जिम किस तरह बनाया, किस तरह की तरक्की की, कितना क पिंड ने सहयोग किया, कितना NRI पार्टियां ने सहयोग किया। असी सरपंच साहब के रूबरू होकर इन सारिया गलों जवाब लेने। सरपंच साहब सत्या जी। सत्या जी, मैं सरपंच पिंड प्रतापपुरा तहसील फलौर जिला जलंधर सुरजीत सिंह बोल रहा। साढ़े पिंड ये जी क्लब आ करीब 18-20 साल तो यह बनी है और इस क्लब को सरकार ने बहुत सहयोग दिता। सरकार की ग्रांट जिहड़ी आ सानूं पहला मिली जदों असीं बिल्डिंग की सारी की, उस तो बाद जिदा जिदा तैयार हो गई बिल्डिंग कुछ NRI वीर ने सानूं सहयोग दिता मशीनां लियाउण लई, कुछ सरकार ने सहयोग पाया और एक इत्थे साडे पिंड दे विच नौजवानों ने शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब रजिस्टर्ड कराई है। सारे जिन्हें नौजवान आ वह अपने जिहड़े नशियां दे विरुद्ध लैके सारिया प्रेरित कर दिया कि अपने दो वेले आके इतने जिम के बच्चे अपनी जी एक्सरसाइज करो और नशे तो बचा जा सके। समझो किन्ने बच्चे इतने किन्ने नौजवान आके इतने प्रैक्टिस करते हैं? इतने करीब दो टाइम ये चलता साडा क्लब, करीब मेरे हिसाब न इतने 60 बच्चों की गैदरिंग हैगी साडे पिंड दे। 60 बच्चों की गैदरिंग है थोड़े पिंड, मतलब कुछ जिहड़े कम्मां दे हिसाब नाल, कुछ पढ़ाई दे हिसाब नाल, कुछ शाम नूं आउंदे आ, कुछ सवेरे वेले सिर आ के अपनी एक्सरसाइज करदे। जिहड़े साडे नौजवान इत्थे एक्सरसाइज डेली करदे आ उहनां दे एक्सरसाइज करदिआं दी तुहानूं दिखाउंदे शॉट। अगे साडे नाल पिंड दे कुछ नौजवान आ, उन्होंने गल करते हैं कि ये जिम बारे वो की कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, ये जिहड़ा साडा जिम आ इहनू बणने नूं 20 साल हो गए आ, तो साडा जिहड़ा मेन मकसद आ
आप भी तो जिहड़ी साडे आने वाली पीढ़ी आ उन्हां नूं नशियां तों बचाउणा आ तां जो जिहड़ी आने वाली पीढ़ी आ उह अपनी सेहत प्रति जागरूक होण ते नशियां तों दूर रहण। तुसीं इस पंचायत पिंड की पंचायत नूं की कहना चाहुंदे हो? सानूं पिंड की पंचायत का बहुत सहयोग आ, हरेक वेले साडे नाल खड़े आ, जदों भी सानूं किसी चीज़ की जरूरत हुंदी आ उदों ही अवेलेबल करा के देंदे आ। अगे साडे नाल कुछ मुलाजम ने पोस्ट ऑफिस के, असीं उन्हां नाल गल करदे कि पिंड का उन्होंने किवें जिहा सहयोग मिलिया। हाँ सर। हाँ जी सर, सानू पिंड दा पंचायत दा काफ़ी सहयोग मिलिया जी। पिंड दी बिल्डिंग बहुत खराब सी डाकखाने दी, इन्होंने बनवा के दित्ती नवीं तरीके दे नाल, और पिंड दा बहुत वधिया सहयोग है जी। आंगनवाड़ी वर्कर बना रहे हैं इत्थे, वह भी बहुत वधिया बना रहे हैं, पिंड दा बड़ा सुधार कर रही है पंचायत। ये साडे पिंड प्रतापरा दा पोस्ट ऑफिस पहला तकरीबन 47-48 तो प्रायमरी स्कूल सरकारी प्रायमरी स्कूल में चलता सगा, जो कि 60-61 में सब पोस्ट ऑफिस बन गया इतने, तो फिर उदों तो लैके कुछ होर बिल्डिंगा किराए दिया बिल्डिंगा चलता रहा, लेकिन हुण घट्टो घट इतने मतलब 30 साल हो गए ऐसे बिल्डिंग दे जो पंचायत की बिल्डिंग हैगी उहदे विच चल रहा, इहदी कमेटी अलग बनी हुई आ, किराया कमेटी के नाँ ते आउंदा, बड़ा वधिया चल रहा, सारे जिन्ने इत्थे साडे मुलाजम आउंदे हन वधिया लोकां दे नाल विहार करदे हन, जिस करके सानूं सारिआं नूं बहुत वड्डी सहूलत है। इस करके इस असीं सरकार दा वी धन्नवाद करदे हां जिन्हां ने सानूं इह पोस्ट ऑफिस बड़े पुराने समें तों दित्ता होया। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी नूं कहांगा कि पिंड प्रतापरा दा बस स्टैंड दिखाया जावे। अगे मैं दिखाउण जा रहा हाँ आंगनवाड़ी सेंटर, ये आंगनवाड़ी सेंटर किसी शहर का नहीं है बल्कि पिंड प्रतापपुरे का ही है। अगे ने मैडम सीता देवी जी जो इस आंगनवाड़ी सेंटर नूं चला रहे हैं, आओ उन्हां नाल गल करते हैं। हाँ जी, सारिआं नूं मेरे वल्लों सति श्री अकाल। तो मैं आंगनवाड़ी सेंटर सीता देवी प्रतापरा नंबर 1 की वर्कर हाँ, तो साढ़े पिंड वाले भी मेरा बहुत साथ देंगे और सरकार भी सानू टाइम सिर राशन देंदी है, ता जो असी अपने प्रैगनेंट नर्सिंग 0 to 6 महीने के बच्चों 6 to 1, 1 to 3 और 3 to 6 साल के जो साढ़े आंगनवाड़ी में आते हैं उन्होंने असी राशन मुहैया करते हैं। ज सरकार सानू टाइम सिर दे रही राशन और असी सारियां ही राशन घर पहुँचा रहे हैं। मैडम तुहानू किन्ना सहयोग आ पिंड वासियों का, कह लो जां सरपंच साहब दा, कह लो जां समूह पंचायत दा? मैनू सरपंच दा, पंचायत मैंबरां दा और जिन्ने ब्लॉक समिति दे मैंबर ने साडे पिंड विच जिन्ने भी NRI ने सारे सानू पूरा सहयोग दिंदे हन, कोई भी काम करना हुंदा आ पंचायत साडे नाल राशन वंडाउंदी है, असीं उहनां नूं जदों भी सद्दने आ उह उस वेले ही साडे कोल हाज़र हुंदे ने। पिंड प्रतापरे का एक होर शलाघाजोग कदम मैं दिखाया तुहानू हुणे, पिंड प्रतापर का आंगनवाड़ी सेंटर। अगे पिंड प्रतापरे का एक होर आंगनवाड़ी सेंटर जिसनों चला रहे हैं मैडम आशा राणी जी, आओ इन्हों गल करते हैं। हाँ जी आशा। हाँ जी, मेरा नाम आशा राणी, पिंड प्रतापरा सेंटर नंबर 3 की वर्कर हाँ। मैं अपने पिंड की पंचायत का बहुत धन्यवाद करती हाँ, जो भी मैं समय सिर सहयोग देंदे हैं, जो सरकार की फीड आँदी है वह मैं बच्चों तक पहुँचाती हाँ। मेरे 3 to 6 साल के बच्चे 20 बच्चे हैं दाखिल बच्चे है, बाकी असी प्रैगनेंट नर्सिंग 6 महीने to 3 साल के बच्चों फीड घर भी दें तो वह आप भी लेके आ जाते। सरपंच स्कूल बारे तुसी कुछ दसो सानू कि कदों तों बनाया, किन्ने अध्यापक आ, किन्ने क बच्चे इत्थे हैगे आ? ये जिहड़ा साडा प्रतापरे दा प्राइमरी स्कूल आ ये करीब देश की आजादी तो पहला दा प्राइमरी स्कूल साडा चलदा, और हौली हौली समय सर इहदी बिल्डिंग जिहड़ी आ कुछ NRI वीरां नाल, कुछ सरकार ने मतलब कुछ पिंड दे सारे सहयोग नाल बिल्डिंग तैयार हुई है, और इस दे विच
मेरे ख्याल स्टाफ साढ़ा पूरा आ, टीचर पूरे आ, और जिन्हें स्टूडेंट आ करीब 250 to 250 के गेट से साढ़े इतने स्टूडेंट पढ़ता पहली तो लागे पांचवी क्लास तीन बड़ा साढ़ा स्टाफ मेहनती है। असी टाइम टू टाइम साड़ी पंचायत साढ़े मैंबर पंचायत इतने चैकअप करना आते रहने और साढ़िया सारे देखो कंधा से एन कला कला बच्चे किताब चुकन की लड़ नहीं कल कल सारा योग पहली तो पंजाबी तक पढ़ाया जाता। प्रतापपुरा पिंड की पार्क जो गुरु नानक देव जी के नाँ के नाल संबंध रखती है, आओ मैं दिखावांगा अंदर किन्ने के नरेगा के वर्क काम कर रहे और किन्ने चिर तो यह काम चल रहा है। असं रूबरू होवे सरपंच साहब के और नरेगा वर्करां नाल। शहरां की तरह इस पिंड पार्क का भी प्रबंध है। सरपंच साहब ने बहुत बड़ा उपराला किया है कि पिंड पार्क का भी प्रबंध किया गया। पुछदे हां सरपंच साहब को कि यह पार्क कदों तो बनाउणी शुरू की और किन्ना कि काम हो जाओ किन्ना रहिंदा है। हाँ सरपंच साहब, ये जिहड़ा पार्क है जी पहला ये बहुत बड़ा इत्थे छप्पड़ हुंदा सी, साडे पिंड का पानी जो वेस्ट पानी सारा इत्थे इकट्ठा हुंदा सी। जदों साडे NRI वीरां ने पिंड दे सहयोग दे नाल सारा सीवरेज सिस्टम पाया इंटरलॉक पक्कियां जिहड़ियां गलियां नालियां कीतियां तो यह छप्पड़ साडा फ्री हो गया तो पानी सारा साडा वेस्ट बाहर चले गया पिंड तो उदों असी सारा पूर के ये मतलब इत्थे असी गुरु नानक देव जी दे 550 साल समर्पित पार्क का नाँ रख के इनू शुरू किया और ये तकरीबन सारा कंप्लीट हो चुका। प्लांटेशन रह गई सारे ट्रैक बन चुके हैं। ये जिहड़ा पार्क आ यह करीब 1.25 एकड़ दे विच साडा पार्क है और बहुत वधिया असी इत्थे प्लांटेशन घा बगीचियां वगैरह लगा रहे हैं। किन्ने टाइम विच ये पार्क तैयार हो जाएगा जी? ये पार्क साडा बस 1 महीने दे विच विच सारा रेडी हो जाएगा, प्लांटेशन रह गई ते करीब यह सारी असी जिहड़ी नरेगा दे तहत नरेगा स्कीम तहत ये जिहड़ा साडा पार्क आ बन रहा और करीब ये 9 लाख रुपया नरेगा दे मतलब सानू पास होकर पिंड नूं दिता और असी यह सारा पार्क बना रहे। नरेगा ते किन्ने घरां दा रोज़गार जिहड़ा हैगा आ, किन्ने वर्कर जिहड़े आ तुहाडे काम करदे आ, किन्ने जॉब कार्ड बने हो? जॉब कार्ड तो साढ़े को करीब 25-28 है जी, तो पर जो साढ़े को इस वेले इतने वर्कर आया 5-6 के मतलब जिन्ना काम चल सकता उस हिसाब न लाइया है। बाकी जिहड़ियां वर्कर आया असी उन्होंने टीमां बना के 8-10 किसी टाइम 8-10 मतलब इदा असी सारा काम दिंदे हां। जिहड़े तुहाडे हिसाब दे नाल नरेगा का काम प्रोपर चल रहा है, पिंड वासियां नूं रोज़गार मिल रहा है और सारा जिहड़ा काम आ वक्खरी वक्खरी थां ते वक्खरी वक्खरी जगह ते चल रहा है? हां बिल्कुल, करके असी सारिया जिन्नियां नरेगा वर्कर एक थां नहीं ला सकते, मतलब जो काम के हिसाब नाल वंड के ग्रुप बना के कोई इत्थे पार्क ते कोई होर थां सफाई ते कोई साढ़े वड्डे जिहड़े पिंडों नाले जांदे आ छप्पड़ां नूं उन्हां दी सफाई ते इदां टीमां बना के ला रहे। अगे मैं दिखाउण जा रहा हाँ इस पिंड की कोऑपरेट बैंक सोसायटी के नाल जो काफ़ी देर तो इतने काम कर रही है। सरपंच साहब तो पुछते हैं कि किन्ने देर तो काम कर रही है और कुछ गल्लां मैनेजर साहब भी करते हैं श्री हिमांशु ढींगरा जी के नाल जो इस बैंक के मैनेजर ने उन्होंने गल करते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, ये बैंक काफ़ी सालों तो लोगों की सेवा में इतने प्रतापपुरा पिंड है। इतने ऑलमोस्ट सारे जिहड़े पिंड के बंदे उन्हें सब दे अकाउंट इतने रन क्योंकि ये पिंड दे सेंटर च पैंदा है जो कि बाकी बैंक जो मेन रोड पर हैं जो लोगों को जाने परेशानी होती है तो इस करके पिंड बैंक जो है वो सारे लोगों के मतलब अकाउंट हैं तो वो रेगूलर इतने विजिट आते हैं साढ़े को सारे। तो सरपंच साहब जो है तो उन्होंने सारे जो पंच हैं जो हैं
तो बड़ा उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग है सानू। तो जो भी सानू कोई प्रॉब्लम होंगी है या जो कोई पूछना होंगे है किसी बंदे बारे या कुछ तो सानू पूरा चंगी तरह गाइड करते हैं, जो भी साड़ी पूरी हेल्प करते हैं हर चीज़। अगे ने साडे नाल दविंदर सिंह जी जो पंचायत मैंबर है, उन्होंने तो जानते हैं इस कोपरेट सोसायटी बैंक बारे। साढ़े पिंड ये बैंक जो पिंड फोकल पॉइंट 77-78 बने सन उस समय तो यह बैंक काम कर रहा है। तो साढ़े पिंड इसका बहुत फायदा है, इस दे नाल साढ़े लागलियाँ 4 कोपरेटिव सोसायटियां भी जुड़िया हुई हैं। तो जिमीदार भरावान दूसरे लोगों इस बैंक के न पिंड बेचों ही सारी सर्विस मिलती है, तो लोगों इस करके काफ़ी सहूलत प्राप्त हैगी। इस करके मतलब असी सारे पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हाँ, जिन्होंने स्टाफ का धन्यवाद है जिड़े कि बड़े वधिया ढंग दे नाल लोगों अपनी सर्विस दे रहे हैं। सरपंच साहब, इस कोऑपरेटिव बैंक जी सोसायटी आ इहदा किन्ना लाभ पिंड के नागरिकों और पिंड लैवल के जिहड़े किसान उन्होंने जो साढ़े पिंड के निवासी हैं उन्होंने सारे के तकरीबन खाते इस बैंक के जो अपना टाइम टू टाइम अपना जो पैसे रखने कढ़ने किसी सानू बाहर नहीं किसी जाना पैंदा इन्हां दे कोल, और इन्हां दी इन्नी सर्विस है कि जे कोई चाहे तो घरों भी आके लै दे जांदे आ। कई साढ़े बाहर गए आ NRI जां उत्थे घर कलियां बीबियां आ वो टैलीफोन ते ही सर्विस इह साडी घर तक पहुँचा देंगे। यानी तुहाडा कहण दा भाव आ कि स्टाफ बहुत वधिया तरीके नाल काम कर रहा है, अगर किसी प्रॉब्लम भी हैगी तो उहदे घर जाके कैश दे भी आउंदे और कैश लै भी आउंदे और सानू बहुत सहयोग है इन्हों का। मतलब सानू कि होर भी किसी बंदे ने भी आना तुर के पिंड तो घर तो इतने बैंक से आ जाता, सानू कि बाहर जाने की लोड़ नहीं। किसान लैवल जो है किसान आनू कि लाभ इस बैंक का है? किसानों बड़ा लाभ है जी, उन्हें इतों लिमिटा बनाई है अपने लोड़ अनुसार जो भी अपने कर्जे ले आ और इतें ही मुड़ जाते हैं, इतने नवे पुराने कर्जे 6 महीने कर जाते हैं। तो किसान ही साड़ी इस बैंक का साड़ी बैंक है ही किसानों की बड़ा सानू लाभ है ना बैंक का। पिंड सरपंच साहब का कहना है, पिंड के मैनेजर साहब भी यही कहना कि पिंड लैवल से जो किसान हैं या पिंड के नागरिक हैं इस पिंड इस बैंक के खुलने के नाल उन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ आ। पिंड की पंचायत का एक होर भाईचारे का प्रतीक बेरका मिल्क प्लांट, सरपंच साहब का कहना या पिंड का यह कहना कि असी इस अपने पिंड को किसी भी सहूलत बांझ नहीं रहने देना। अगे ने साडे नाल जगेश बग्गा जी जो इस यूनिट के इंचार्ज आ उन्होंने गल करते हैं। हाँ जगेश बग्गा जी। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। साढ़े कोल तकरीबन रोज़ का गर्मियों के 1500 लीटर दुध रोज़ इकट्ठा होंदा है पिंड का, तो सर्दियों जो कि 3500 लीटर तक पहुँच जाता है जी। प्लस असी इत्थे फीड चारा तो होर भी सारे जिन्हें भी है सारे सुविधावान दें जी, सबसिडी प्रोवाइड करते हैं सारियां नूं फार्मरस नूं, ते जो कमेटी आ बहुत ज़्यादा साडा सहयोग करती आ। अगे ने साडे सरपंच साहब जी जो इस यूनिट के प्रधान आ उन्हां नाल गल करते हैं। ये जो साडी मिल्क सोसायटी आ इहदी 5 साल बाद चोण हुंदी है और 5 साल बाद इहदी कमेटी चेंज हुंदी है। हुण जो इस वेले मैं इसका प्रधान हाँ तो साडे इस सोसायटी के 9 मैंबर आ, सारी टीम नाल पंचायत मैंबर नाल जिन्ने साढ़े दुध उत्पादक आ बहुत सहयोग कर दिया सोसायटी नूं। ये पहला तो बहुत छोटे पैमाने पर शुरू हुई सी, अज तो करीब 40 साल पहला तो यह साड़ी सोसायटी इत्थे चलती है और अज असी इस सोसायटी नूं मतलब सारे तन मन नाल मेहनत करके नूरमहल जोन चों साड़ी ये फस्ट आई आ, जिले जलंधर चों तकरीबन साड़ा 3रा नंबर आ और साडा जो असी दुध इकट्ठा करते हैं आ सारा चाइल्ड हुंदा प्लांट लायो आ और यह सोसायटी साड़ी बहुत तरक्की ते आ बहुत मुनाफे ते आ। असी जिहड़े साडे वर्कर आ ये भी बहुत इत्थे अपनी तनदेही नाल सेवा करते आ मेहनत करते आ और साडे सारे जिमीदार भरा इहदा बहुत फायदा लैंदे आ कि लागे अपना जिहड़ा दुध आ जिहड़ा वाधू हुंदा घरां दा इत्थे पा दिंदे आ। अगे मैं इस पिंड की कोऑपरेटिव सोसायटी में आ गया,
आओ देखते हैं कि इस सोसायटी किसानों को कि सहूलत प्रोवाइड करते हैं, आओ आप अंदर चलते हैं। हाँ जी, जी साड़ी सोसायटी है ना प्रतापरे की, ये बहुत ही वधिया सोसायटी चल रही आ। 700 के करीब मैंबर ने इत्थे जिहड़े लैण देण करदे ने, 133 मैंबर नॉन मैंबर ने, ते जिहड़ी साड़ी सोसायटी आ लिमिट भी दिंदी आ किसानां नूं, ते जिहड़ा कि किसान अपने पैसे इत्थों लिजा के अपने कोई भी तेल लिआउणा होवे, डीजल लिआउणा होवे जां होर समान अपना लिआउण लई इत्थों कैश पैसे लै जांदे आ। असीं इत्थे खाद भी अवेलेबल कराउंदे आ, साडे कोल जरूरी वस्तां दा समान भी आ, उह वी जिमीदार इत्थों लिजांदे आ। सानू वड्डी गल साडी सोसायटी दे कोल एग्रो सेंटर आ जिहदे विच साडे कोल ट्रैक्टर आ, लेवल लेजर आ, हुण असीं सुपर सीडर भी लिआंदा आ जिहदे विच सरकार ने 80% सबसिडी भी दित्ती होई आ। ते इस करके जिहड़े छोटे किसान आ उहनां लई साडी सोसायटी बहुत लाहेवंद आ। छोटे किसानां नूं ट्रैक्टर लैण दी लोड़ नहीं हैगी, उह साडे कोल आ के जिहड़ा भी काम आ उह ट्रैक्टर दा करवा लैंदे ने। यानी मुख दी गल इह आ कि इह पिंड लैवल ते पंचायत दे सहयोग दे नाल इस पिंड ने इन्नी तरक्की कर ली है कि कोई भी सहूलत जी इस पिंड तो वांझी नहीं हैगी, ये पिंड हर सहूलत दे नाल अटैच आ। ये साड़ी सोसायटी जब फोकल पॉइंट बने आ उदों तो ही यह भी सोसायटी चल रही है, और इस सोसायटी जिदा साढ़े सैकटर साहब ने दसिया कि बहुत कामयाब सोसायटी चल रही है, बड़ी मुनाफे च आ। असी पिछे ज इस सोसायटी का जो जिमीदार मैंबर है वह मुनाफा भी वंडिया, और यह जी सा भी चोण होंगी है 5 साल बाद कमेटी चेंज हो जाती है और मोरली कमेटी चल जाती है, फिर नवी आ जाती है। मैनेजमेंट जी है मैनेजमेंट से सारा कारोबार है, मैनेजमेंट साड़ी बहुत वधिया, और कमेटी के नाल नाल पिंड दा पंचायत दा सारे दा साडा सहयोग बड़ा हरेक कारोबार दे विच। इस करके साडा जिहड़ा इत्थे दा स्टाफ आ बहुत शलाघाजोग आ, बहुत टाइम ना आउंदा, टाइम ना अपना काम करदा, और किसी जिमीदार नूं कोई तरह की तकलीफ नहीं आउंदी। असीं थोड़े जिहे कोई मामूली खर्चे जिहे रखे हुआ, मतलब उत्ते असीं प्रति घंटा लै के जिमीदार अपना बड़े आराम नाल जिहड़ा नॉर्मल छोटा जिमीदार आ इत्थों अपनी खेती कर सकदा, और उसनों इन्ना महंगा समान ट्रैक्टर लैण की लोड़ नहीं। साडे कोल सारा इस सोसायटी कोल अवेलेबल समान आ, और जिदा भी असी साडे कोल लिस्ट बन जाती है जिदा जिदा किसी ने बहाई करवानी आ, रेजर लेबर करवाना, कुछ करवाना, उस हिसाब नाल साडे सोसायटी कोल ट्रैक्टर का ड्राइवर आ उस समय सिर जा के सारिया की बहाई कर दिंदा है। लागा जो कदम ग्राम पंचायत प्रतापरे का अगे मैं दिखाने जा रहा हूँ पैलेस। यह सारा जिहड़ा कम्यूनिटी हाल से सारी पंचायत ने, सारे पिंड ने, NRI ने एक बनाया। असी ये जिहड़े भी पिंड के ज आले दुआले पिंड गरीब परिवार आ उन्होंने ब्याह शादियाँ असी इत्थे बहुत मूली जे खर्चे ते करते हैं। आओ लै चलिए हुण तैनूं इस पिंड दे शमशान घाट, इत्थे भी पंचायत ने अपनी कारगरी बहुत वधिया तरीके दिखाई आ, इत्थे भी बहुत वधिया तरीके दे काम होए आ। आओ तैनूं सारी सिचुएशन दिखाउने आपां। समूह पंचायत दा इक होर शलाघाजोग कदम, शमशान घाट नूं जिंदगी दा आखिरी पड़ाव मन्निया जांदा है, पर इत्थे भी पंचायत ने बहुत वधिया तरीके की भूमिका निभाई और हर तरह की सहूलत दी है। आओ मैं तुम्हें दिखाना कि पीने वाले पानी तो लग के शैडा तो लग के हर तरह की सहूलत नाल लैस ये शमशान घाट आ। अगे ने सड़ने गुरदावर सिंह जी जो जिन्हां दी रेख दे विच इह शमशान घाट दा काम होया, उन्हां तों जाणदे आ शमशान घाट बारे। हाँ जी सर, सति श्री अकाल जी। इह शमशान घाट साडे जी इहदे ते टोटल 14 लाख रुपया लग चुका, जो साडे गैस वाली भट्ठी लगी हुई आ। इह भट्ठी असीं मोगे तों लवाई आ, इहदा बहुत फायदा आ, मतलब इह 5 लाख रुपया 5.5 इहदे ते कॉस्ट आई आ जिहड़ी भट्ठी दा इह कमरे दी। इहदे वास्ते मतलब सारा साडे पिंड दे सहयोग ते NRI बंदियां ने सहयोग दित्ता ये सारा शमशान घाट तैयार करने लई। अगे मैं कुछ भट्ठी बारे जानना चाहवागा कि दसो जी भट्ठी दे विच संस्कार किन्ने टाइम च हो जांदा और किन्नी लागत आउंदी, किन्ने सिलेंडर लाउंदे इत्थे? इत्थे संस्कार करन नूं जी एटलीस्ट 3 सिलेंडर असीं लाउंदे आ, जिहदे विचों मतलब 1 सिलेंडर तकरीबन बच रहिंदा आ,
दो सिलेंडर का संस्कार हो जाता है तो ये संस्कार तकरीबन दो घंटे के बच्च अगे मैं दिखाने जा रहा हाँ बाबा सैन भगत कम्यूनिटी पार्क। ग्राम पंचायत का एक होर शलाघाजोग कदम ये पार्क है। पार्क कई सहूलतों ने लैस आ, आओ गल करते हैं इस पार्क बारे। हाँ जी, पहला जी इतने ढेर वाली जगह होंगी सी जो कि अं साफ सुथरी करके ढेर का भी पिछले पासे प्रबंध किया आ, तो बाकी यह पार्क के बच्चों के खेलने ने झूले लाए आ, नाल आंगनवाड़ी स्कूल आ उ भी बच्चे आते वह भी इतने आ के खेल सकते हैं, नाल इतने साढ़े वाटर सप्लाई भी आ। ये सारा एक पोर्शन आ जी जो सारा अं तैयार कर रहे हैं, ये सारे पासे की तो पिंड की पंचायत तो बाकी एन आर ए वीर के सहयोग हो रहा जी। हाँ जी सरपंच साहब, ये जो पार्क भी नंबर टू आ, पहला एक आप उधर देख के आए, दूजा यह तैयार हो चुका तकरीबन, तो ये साढ़े पहला तो इतने बहुत बुरा हाल से, ढेर बहुत बड़े बड़े ढेर लगे से, वो सारे ने बड़े कट्ठे हो के हल्ला मारिया, सारे ढेर सफाई की, पिंड के होर पासे भी ढेर से वह भी सफाई की। हुण जो पार्क साडा इतने कंप्लीट हो चुके तकरीबन, झूले लग गए आ, और जो साढ़े नाल वाटर सप्लाई आदा भी असी सारा मेनटेन उन्होंने कर रहे हैं, पहला बहुत खराब होया सी, और होर भी साढ़े जिन्हें आई टी आई कॉलेज साढ़े पिंड बहुत वधिया चल रहा, तो बाकी दा साढ़े पिंड दा बड़ा सहयोग आ। कोई भी काम हुंदा, कोई बंदा साढ़े पंचायत के काम च सांझे काम च कोई खड़ोत नहीं पाँदा, पार्टी लैवल तो सारे उच्चा उठ के काम करते। अगे मैं दिखाने जा रहा पिंड दा बिफल टैंक, जिस पिंड का वेस्टिंग पानी जो वाधू पानी ये आ के प्यूरीफाई होकर छप्पड़ जाता है, बाकी गल वास्ते आप सरपंच साहब के रूबरू होंगे। हाँ सरपंच साहब, ये साढ़े जिहड़े बैफल टैंक बनाए आ पिंड के आले दुआले, ये जिहड़े पिंड का पानी आ गंदा पानी इन्हां विच आउंदा, इन्हां विच दी प्यूरीफाई हो के मतलब ट्रीट हो के ये जिहड़ा फिर साढ़े छप्पड़ां दे विच जांदा, उत्थों फिर साढ़े छप्पड़ां जो किसान वीर अपनियां फसलां नूं पानी लाउंदे आ। हुण मैं तुहानूं लैके जा रहा डेरा बाबा सैन भगत जी दे डेरे वल, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज आ, और इन्हां दा तपस्थान दुनिया दे विच इक्को इक तपस्थान आ जो इस पिंड विच स्थित आ। आओ लै चलिए तुहानूं इस तपस्थान दे दर्शन कराउंदे आ। आओ हुण तुहानूं दर्शन कराइए बाबा सैन भगत जी दे मंदिर नाल, जो दुनिया में इक्को एक मंदिर है जो इत्थे स्थापित है, और इन्हां दी मूर्ति कोई 450 साल पुरानी मूर्ति है। आओ तुहानूं इस मूर्ति दे और मंदिर दे दर्शन कराउंदे हां।
अगे ने साढ़े नाल इस गुरद्वारा साहब के हैड ग्रंथी सेवा सिंह जी, उन्होंने जानते हैं इस गुरद्वारे इतिहासिक गुरद्वारे की प्रशंसा बारे। हाँ जी सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर, जो कि इस बाणी दे विच धन धन बाबा सैन भगत जी दे पवित्र स्थाना ते, जो कि तप स्थान है गुरु महाराज दे विच बाणी दे विच लिखिया, सैन नाई बुतकारियां ओह घर घर सुनिया, हिरदे बसिया पार ब्रह्म भगता मैं गणिया, धूप दीप कृत साज आरती, बारनी जाओ कमलापति, मंगला हर मंगला नित मंगल, राजा राम राय को रहाओ, उत्तम दियारा निर्मल बाती, तुही निरंजन कमला पाती, रामा भगते रामानंद जानी, पूर्ण परमानंद बखानी, मदन मूर्त पै तार गोबिंदे, सैन भणी भज परमानंदे, उपरोक्त शब्द जिहड़ा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पन्ना नंबर 695 ते अंकित है। गुरु महाराज का यह मुख उच्चारण किया होया शब्द है, इस करके ये पवित्र स्थान बाबा जी का तप स्थान है, जो कि पिंड प्रतापपुरे विखे है। सो इत्थे एक पुरातन भोरा साहिब भी है, जो कि सरबत संगतां धन धन बाबा सैन भगत जी की मूर्ति स्थापन की है। सरबत संगतां हर साल की तरह टिक्का भाई दूज ते सरबत संगतां बाबा जी दे नमस्तक होंदियां हन। सो बाबा जी दे पवित्र सारना ते भाई पंजां प्यारियां दे विचों भाई साहिब सिंह जी दे भी उन्हां दी जात दे विच विसाखी वाले दिन भी वड्डा प्रोग्राम मनाया जांदा है। सो महीने बाद पूर्णमासी लगदी है। इत्थे एक बड़ा ही सुहावना सरोवर है, जिथे सरबत संगतां इशनान करके पवित्र स्थानां ते अपनियां मनोकामना शरदा संपूर्ण करदे हन, ते ग्राम पंचायत दी प्रबंधक कमेटी दी सहायता दे नाल मेले दे उत्ते ग्राउंड भी है, जिथे हर साल दी तरह कबड्डी दे मैच कराए जांदे हन। सो इत्थे एक होर पुरातन खूही अजिह दी सेवा चल रही है, उस दी सेवा हो रही है। सरबत संगतां नूं बेनती है, इस तरह सरबत संगतां इत्थे दूरों नेड़ों दराडों सरबत संगतां नमस्तक हुंदियां आण के वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगे मैं दर्शन करवाने जा रहा हाँ बाबा गरीब दास जी के तप स्थान के नाल। इस पिंड बाबा गरीब दास जी वरदान से कि मीह के नाल जिन्ने मर्जी गड़े आन पर इस पिंड की किसी भी फसल का नुकसान नहीं होगा।
ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪਾਰਕਾਂ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਵੈਬ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਚਾਇਤਨਾਮਾ ਜਲੰਧਰ।